नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। यूनाइटेड इधरूसी फ्रंट की बैठक रविवार को नगर के मोहल्ला तकिया स्थित दफ्तरी गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल समद इदरीसी की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन मोहम्मद अफजल इदारी ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने देने और दुनिया की भी तालीम तथा बढ़ती बेरोजगारी पर अपने विचार व्यक्त किया। लगभग सभी वक्ताओं ने इदरीसी समाज के साथ हो रहे सौतेली व्यवहार पर चिंता व्यक्त किया। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल समद इदरीसी ने कहा कि हमारी आपसी एकता से आगे बढ़ाने के लिए फैसला मिलता है। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि काम की तरक्की तभी होगी इतनी सी फ्रेंड आपके साथ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष शमील अहमद आदमी ने कहा कि तालीम हासिल करने व आपकी एकता कायम रखने पर बल दिया कहा कि जब हम इस पर अमल करेंगे तभी हमारी आपकी एकता मजबूत हो सकती है। इस मौके पर इदरीसी समाज फंड के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अफसार इदरीसी, फखरे आलम उर्फ बंटी मोहम्मद इदरीसी, इदरीसी मोहम्मद वशीम इदरीसी, वाजीद अली गोरखपुर मोहम्मद अफसर अकलाम शपत अहमद और शकील अहमद सहित तमाम लोग उपस्थित थे। इसीलिए आप सब लोगों से मिलने के लिए आए और एक ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप सब हर जगह आपस के इख्तलाफ जो भी रहे वो दूर कर दें और एक जगह बैठे। सबका मकसद यही है। वकील साहब ने भी यही बात किया, यही बात है ना, कैसर भाई ने भी बात किया और यही बात वाजिद भाई ने बात किया, तो क्या है ये सब है ना, शमीम भाई ने बात किया, यही चीज कि आप सब बैठे एक जगह बैठे, एक जगह जब बैठेंगे एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे, एक दूसरे की तकलीफ समझेंगे।